हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाइव साइट विजिट। मैं दीपक शर्मा आज आपको दिखाने आया हूँ सेक्टर 123 एरो स्ट्रीट में 2 BHK। और ये नॉर्मल 2 BHK नहीं होने वाला, ये G+2 में बना है। सबसे अच्छी चीज़ ये पार्क फेसिंग है, इसमें स्टोर रूम भी है एंड पूजा रूम भी है विद डिफरेंट ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए आपको ले चलता हूँ पूरे फ्लैट के टूर पर। तो जैसा कि मैंने बताया ये G+2 है, तो यहाँ पर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट होंगे, एक मेरे राइट साइड पे रहेगा एक लेफ्ट साइड पे रहेगा। आइए मैं आपको अपना सैम्पल फ्लैट दिखाता हूँ। तो फ्लैट में एंटर करते ही सबसे पहले आता है हमारा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया हमारा है 12x16 का, जिसमें कि आपको LED पैनल देखने को मिल रहा है। ये LED पैनल एज इट इज सेम रहेगा, इसी के साथ फॉल सीलिंग रहेगी आपकी। फॉल सीलिंग भी आपकी एज इट इज सेम रहेगी, आप देख सकते हो यहाँ पर कंसील लाइट है विद वुडन स्ट्रिप्स, तो ये भी सेम होने वाला है। एंड आने वाले टाइम पे हमारी जो फेसिंग होगी इस तरफ, सामने हमारे पार्क बनेगा 600 स्क्वायर यार्ड का, तो 600 गज के पार्क की फेसिंग होगी यहाँ पर। इसी के साथ आपको यहाँ पर वॉलपेपर मिल जाएगा, जिसमें वॉलपेपर में आपकी अपनी चॉइस रहेगी। तो जिस टाइप का वॉलपेपर आपको आपके घर के इंटीरियर के हिसाब से अच्छा लगता है वो चूज़ करके आप इस पर लगा सकते हैं। अब इसी एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर स्प्लिट एसी की प्रोविज़न दी हुई है। ये प्रॉपर ड्राइंग एरिया मैं अगेन आपको बता देता हूँ, ये है 12x16 का, और अकेला ड्राइंग एरिया भी डाइनिंग एरिया हमने देखना है। ड्राइंग एरिया के एडजॉइनिंग हमें देखने को मिलता है हमारा पूजा रूम। पूजा रूम हमारा रहेगा 5x5 का, एंड बहुत प्यारी इसमें दे रखी है। इस तरफ आपकी पूरी मंदिर की व्यवस्था हो जाएगी, आप यहीं पर पूजा कर सकते हैं। इसी के एडजॉइनिंग हमारी आ जाती है डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया आप देख सकते हो इजीली यहाँ पर 6 सीटर आपकी डाइनिंग लग जाएगी, एंड इसी के साथ किचन अटैच रहेगी। इस वॉल पर आपको अगेन वॉलपेपर की चॉइस मिल जाएगी, तो 2 वॉल्स हमने देखी जिन पर वॉलपेपर की चॉइस रहेगी। फॉल सीलिंग इसमें एज इट इज़ सेम रहने वाली है। कंसील लाइट आप देख सकते हो, कंसील लाइट इस पर लगी हुई है। आ चुके हैं हम अपनी किचन की तरफ। सबसे पहले आप किचन का एरिया देखो, अगेन हम इस वक्त 2 BHK फ्लैट में हैं। 2 BHK फ्लैट के हिसाब से काफ़ी स्पेशियस किचन है, तो इसमें वेट एरिया आपका एकदम अलग हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेरा कंपनी की सैनिटरी है विद मूवेबल टैप्स, तो 2 इसमें सिंक देखने को मिल रहे हैं हमें। प्लस ये सॉफ्ट टच होने वाला है पूरा। अगर मैं ऊपर के पैनल्स की बात करूँ तो ये भी हाइड्रोलिक रहेगा, एंड नीचे के पैनल्स की बात करूँ तो ये भी सॉफ्ट टच रहने वाला है। यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है कि येलो गैस पाइपलाइन ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है, जो कि बाहर से आपकी कनेक्टी हुई है वॉल्स के अंडर तक। तो किचन काफ़ी स्पेशियस है हमारा, आपकी इजीली यहीं पर ही फ्रीज़र आ जाएगा, स्पेस की इसमें कोई कमी नहीं होने वाली। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। 10x14 का हमारा ये बेडरूम है। एक बार बेडरूम पूरा आप देखिए एरिया कितना ज़्यादा है। 14 फीट इसकी लंबाई रहेगी ऐसे, एंड 10 फीट ऐसे रहेगी, यानी कि 6x6 का बेड लगाते हो ऑलमोस्ट यहाँ तक आपका बेड रहेगा। इसमें भी आपको वॉलपेपर की चॉइस मिलेगी, वॉलपेपर की चॉइस मिलेगी इसमें। साथ ही साथ इसमें भी स्प्लिट एसी का प्रोविज़न दिया हुआ है, जो कि वॉशरूम के ठीक ऊपर है, एंड यहीं पर आपकी वार्डरोब भी इंस्टॉल है। तो ये वही चीज़ें हैं जो आपके एक्चुअल फ्लैट में होने वाली है। हम देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइडर वार्डरोब है, डिफरेंट पैनल्स इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं ताकि स्टोरेज आप ठीक से यूज़ कर सकें। एंड ये रहा हमारा सेकंड पोर्शन। तो स्पेस काफ़ी अच्छी दी है, आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ड्रेसिंग के लिए यहाँ पर एरिया, बस आपका एक मिरर यहाँ पर आ जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा LED पैनल भी देखो, LED पैनल भी इतना प्यारा लगाया कि आप इजीली यहाँ पर 32 से 50 इंच की LED इंस्टॉल कर सकते हो। एंड नीचे और स्पेस दी हुई है स्टोरेज के लिए। इसी के साथ फॉल सीलिंग हम देखें, फॉल सीलिंग में थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है। ड्राइंग डाइनिंग दोनों, ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में अलग फॉल सीलिंग का डिज़ाइन था। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बीच में स्क्वायर दिया हुआ है, उसके साथ कंसील लाइट दी हुई है, तो ये भी आपको एज इट इज सेम मिलने वाली है। आइए चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। अब वॉशरूम में हमारी जो सारी सैनिटरी होने वाली है वो है सेरा ब्रांड की। जी हाँ, सेरा ब्रांड की सैनिटरी रहेगी। एंड आप देख सकते हो लाइट थीम टाइल्स हैं, जो कि अप टू द रूफ टॉप तक लगा रखी है। एंड यहाँ पर भी कंसील लाइट दिया ताकि वॉशरूम थोड़ा और बेटर दिखे। तो इधर भी स्टोरेज की कोई इशू नहीं है आपका। इसी के साथ में बैक साइड की बालकनी अटैच है, जो कि वॉशिंग एरिया बनेगा। इजीली आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। टैप्स ऑलरेडी लग रखे हैं एंड टाइल्स ऑलरेडी लग रखी है। अभी हम थे अपने फर्स्ट बेडरूम में, आइए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। अगेन यहाँ पर 10x14 की ही स्पेस है, बट फर्स्ट बेडरूम से ज़्यादा बड़ा दिखता है। रीज़न, यहाँ पर ड्रेसिंग के लिए एकदम अलग एरिया दिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5x5 की स्पेस है। 5x5 की स्पेस में आपकी ड्रेसिंग एकदम अलग आ गई है, स्टोरेज एकदम अलग आ गई है। और जो 10x14 की स्पेस है वो एक्चुअल स्पेस है, जो कि आपकी यूजेबल एरिया रहेगी। जो फर्स्ट बेडरूम था उसमें 10x14 की स्पेस में ही वार्डरोब इंस्टॉल थी।
अब यहाँ पे हमें ये कॉर्नर यूनिट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर खिड़की रहेगी ताकि नेचुरल लाइट प्रॉपर रहे इसमें। अगेन वॉलपेपर में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर। स्प्लिट एसी का यहाँ पर भी प्रोविज़न किया हुआ है। एंड फॉल सीलिंग की मैं बात करूँ, एकदम डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन बहुत प्यारा लग रहा है। इसी के साथ हमारा LED पैनल आ गया। अब यहाँ पर क्या है, LED पैनल के एकदम साथ में ही मिरर दे रखे हैं, तो ड्रेसिंग एरिया आपका ये होने वाला है। यहाँ पर LED पैनल, 14 फीट की स्पेस है, 10x14 फीट की, जो कि इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा वॉशरूम अटैच रहेगा। अब वॉशरूम की बात करूँ, अगेन इसमें भी सेरा कंपनी की सैनिटरी रहेगी। वॉल हैंगिंग सीट है सेरा कंपनी की, सिंक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड लाइट थीम टाइल्स हैं, जो कि अप टू द रूफ टॉप तक है। अगेन इसमें भी कंसील लाइट इंस्टॉल्ड है। एंड अगेन सारी सैनिटरी इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सेरा कंपनी की ही यूज़ की है। तो ये था दोस्तों हमारा 2BHK विद शोरूम विद ड्रेसिंग रूम। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि पार्क फेसिंग यूनिट होने वाली है, कार पार्किंग का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी बन रही है ये। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं या फिर यहाँ पर आप विजिट करने के लिए आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एंड फेसबुक पर हमें लाइक कर सकते हैं इसी टाइप की और वीडियोज़ देखने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं था दीपक शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर लाइव साइट विजिट पर।